बात करें। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। अस्सलामुअलैकुम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में डायबिटीज भी है, प्लस ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, तो क्या पोस्ट मेनोपॉजल कोई भी खातून हो वो कौन सी ऐसी डाइट ले, एक्सरसाइज करें, प्लस डायबिटीज के साथ इसका जो रिलेशन है वो अगर आप बताएं कि वो क्या हो सकता है कि इससे हम बच सकें। बिल्कुल, आई डॉक्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि आमतौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं चीज़ देख रही हूँ कि पेशेंट मेरे पास आते हैं बोन पेन मसल पेन के साथ, और उनकी अगेन कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कोई ऐसी चीज़ होती है कि मुझे शक होता है कि डायबिटीज़ या थायराइड प्रॉब्लम या कोई हार्मोनल इशू तो नहीं चल रहा, और मेजॉरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, खवातीन की प्रॉब्लम से आ रही होती है। मर्दों का इग्नोर नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन दोबारा कर लेंगे उनके भरोसे आते हैं। बिल्कुल, तो खवातीन ऐसी और खासतौर पर फैमिली हिस्ट्री भी है और डायबिटीज़ भी है, और अगर आपकी ब्लड ये जो है शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो ये आपकी पूरी बोन्स पूरे मसल पूरे स्केलेटन सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, और अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चल रही है तो आप तेज़ी से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपने मेनोपॉज के बाद अगर 5 ईयर्स में आपकी बोन्स ने कमज़ोर होना है और आप डायबिटिक भी हैं और वो कंट्रोल नहीं है, तो वो 5 ईयर्स की बजाय विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर में आपकी बोन्स जो है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हो जाएंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी हड्डियाँ एक लिविंग ऑर्गन है, इसके साथ आपकी बॉडी के डिफरेंट और मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व हैं, जिस तरह कि थायराइड का एबनॉर्मेलिटीज़, ब्लड शुगर की एबनॉर्मेलिटीज़, हार्मोनल इश्यूज़, ये चीज़ें सारी लिंक्ड हैं आपस में आपकी हड्डियों और जोड़ों के साथ। ठीक है, हमारे साथ कॉल पे हैं अजीम सिद्दीकी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गया जी सर। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज हूँ, मुझे डायबिटिक भी है 20 साल से। मेरे टांग का फ्रैक्चर हो गया, टिबिया फ्रैक्चर है, टिबिया हो गया, मेरी हड्डी जुड़ गई डॉक्टर कहता है, लेकिन मैं अभी भी घुटनों में मेरे दर्द होता है, ये क्या वजह है? ठीक है सुनिए। बिल्कुल, ये हम आज के क्वेश्चन की तरफ भी आ जाते हैं जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की वीकनेस और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के घिस जाने का आपस में कोई लिंक है, तो इनका सवाल मेरा ख्याल है इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जी, ये चीज़ें दोनों आपस में लिंक्ड हैं। आपकी अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आप ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज हैं, तो ऑब्वियसली आपकी हड्डियाँ रीमॉडल नहीं कर रही हैं, ग्रोथ उस तरह से नहीं कर रही हैं, तकलीफ हो रही है, और आपके यही जॉइंट्स जहाँ पे आपको हड्डी की ग्रोथ चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही है, और ये जगह आपकी वीक हो गई है। बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट्स में जो कि सवेयर ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं उनमें यहाँ पर छोटे सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर्स कहते हैं कि जोड़ के नीचे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसका पता नहीं चलता क्योंकि हड्डी इतनी भुरभुरी है, साइलेंट डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन पेशेंट हमारे पास आते हैं जी नी पेन हो रही है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता चलता है कि नी जॉइंट के नीचे एक एरिया में उनको फ्रैक्चर हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे हड्डियों की जो हेल्थ है, बोन हेल्थ है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है, बहुत मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। मैं ये बात करें क्या मतलब अब इस पे